गाजीपुर जनपद के जमानिया क्षेत्र के असैचंदपुर गांव में समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित अंबेडकर प्राथमिक पाठशाला में प्राइवेट शिक्षक पढ़ाते मिले। जब इस संबंध में वहां के प्रधानाध्यापक से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि हमने अपनी सुविधा के लिए रखा है, डॉक बच्चे ज्यादा है और पढ़ाने वाले सिर्फ हम दो शिक्षक। जब बच्चों के बाबत पूछा गया तो उन्होंने बताया कि 80 बच्चों का नामांकन है। वही नामांकन के सापेक्ष बच्चों की उपस्थिति लगभग 20 के आसपास थी। डॉट प्रभारी ने यह भी बताया कि ये जो प्राइवेट शिक्षक हम रखे हैं, इसकी जानकारी हमारे समाज कल्याण अधिकारी को भी है। इस संबंध में समाज कल्याण अधिकारी रामनगीना यादव ने आश्चर्यचकित होकर कहा कि सरकारी विद्यालयों में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, अगर ऐसा है तो हम जांच कर कार्यवाही करेंगे। ठीक है, ठीक है। मतलब सब आपके विद्यालय में प्राइवेट शिक्षक भी पढ़ा रहे हैं, क्या बात है? एक रखा गया है अपने हिसाब से। आप लोग अपने हिसाब से रखे हैं कि अधिकारियों ने किस हिसाब से रखे? अच्छा, क्यों मतलब आप लोग कितने लोग यहाँ कार्यरत हैं? दो अध्यापक हैं। प्रभारी कौन है यहाँ पे? अच्छा, प्रभारी आप ही। तो आपने रखा हुआ है, क्यों, किस कारण से? पढ़ाने के लिए अध्यापक कम है इसलिए रखा गया है। बच्चे कितने हैं मतलब आपके यहाँ? बच्चे 81 नामिनी है ना, और आज उपस्थिति कितनी है? इधर देख के, कैमरे की तरफ देख के बताओ, उपस्थिति कितनी है मतलब बच्चों की? 28। तो 28 बच्चों को आप दो अध्यापक नहीं पढ़ा पा रहे हैं? तो अब आज है ना, आते रहते हैं बच्चे, घटते बढ़ते रहते हैं। अच्छा, तो कैसे दिन ज्यादा बढ़ जाते हैं? तो उसके लिए आपने ये महीने पे रखा हुआ है, कितना महीना इनको देते हैं? हिसाब से वेतन देते हैं। कितना? अपने हिसाब से देते हैं, जो बढ़ता है उसके हिसाब से। कितना तभी लमसम कितना महीना दे देते होंगे? क्या बताएगा, अपने हिसाब से। यह विभागीय अधिकारियों को पता है आपके कि आपने प्राइवेट शिक्षक रखा हुआ है? किसको पता है? अधिकारी को, समाज कल्याण अधिकारी। समाज कल्याण अधिकारी को पता है? वो आए थे, खुद बोले कि पैसा रख लीजिए, अध्यापक कमी है। ठीक है मैडम सर जी।